है गाइस, दिस इज़ जावेद अली हेयर। आज का मेरा जो हेयर स्टाइल है वो हमारा बिड में है और हाई स्प्रेडिंग बन है विद मेसी के साथ। आप देख सकते हैं बहुत ही यूनिक हेयर स्टाइल है और मेरी वीडियो के साथ बने रहे। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले आपने ईयर टू ईयर सेक्शन करने हैं। ईयर टू ईयर सेक्शन करने के बाद आपने इस तरीके से सेक्शनों को यूज़ करना है। देन यहाँ पर भी ईयर टू ईयर सेक्शन है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से आपने डीप सेक्शन निकालना है, यू सेक्शन, और सभी हेयर को आपने यहाँ पे सो गाइज यहाँ पे हमने एक बंजी कर लिया है और उसको यहाँ पे हम टक करने वाले हैं बंजी को। और यहाँ पे पूरे पोनी टेल को आपने होल्ड करना है, देन उसके बाद टक करना है। सो गाइज यहाँ पे एक हमने छोटा डोनट यूज़ करना है और उसको हमने यू पिन से होल्ड करना है। तो गाइज़ ये सबसे बेस्ट तरीका है। अब आप अपने किसी भी क्लाइंट पे जब आप करते हैं तो हमेशा इसी तरीके से यू पिन होल्ड करें और कैसा भी आप पैटर्न बनाना चाहें। गाइज यहाँ पे हमने पूरे सेक्शन को पोनी टेल के साथ बांध दिया है विद डोनट के साथ। देन यहाँ पे आपने स्मूथ स्मूथ सेक्शन लेने हैं और अच्छे से उनको आपने टक करना है अपने टोंग के साथ और कर्ल्स के साथ। ठीक है गाइज, तो हमें यहाँ पे कर्ल्स करने हैं 25 mm के साथ। ये सबसे बेस्ट तरीका है टोंग करने का। आप हैवी हैवी सेक्शन लीजिए और उनको अच्छे से कर्ल्स कीजिए। ये गाइस, सो गाइस यहाँ पे हमारे कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीट कर्ल्स होने के बाद आपने एक एक सेक्शन को कॉम करना है, देन आफ्टर इस तरीके से स्प्रेडिंग करना है और एक एक लेयर विजिबल करना है आपने। यहाँ पे फिर आपने हेयर स्प्रे यूज़ करना है, हेयर स्प्रे यूज़ करना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने यहाँ पे पिंस यूज़ करनी है। इस तरीके से गाइज सभी लेयर को आपने यहाँ पे यू पिन के साथ होल्ड करना है। ये है हमारा हाई स्प्रेडिंग बन। स्प्रेडिंग भी साथ साथ है और लेयर भी साथ साथ है, दोनों चीज़ें हम साथ साथ कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, सेक्शन लेना है, देन सेक्शन को अच्छे से कॉम करना है। कॉम करने के बाद लेयर को निकालना है इस तरीके से। और उसके बाद आपने हेयर स्प्रे करना है। देन यहाँ पे आपने यू पिन होल्ड करना है, यू पिन से पूरे सेक्शन को होल्ड करना है। देन इसके बाद यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा सेक्शन बचता है, जो छोटे हेयर होते हैं, उन छोटे हेयर को भी आपने स्प्रेडिंग करना है। देन यू पिन के साथ टक करना है। सो गाइज जितना भी ये मेरा सेक्शन है, सभी सेक्शनों को आपने इस डोनट डोनट से कवर करना है। ओके गाइज, तो गाइज़ यहाँ पे ये जितना भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे हेयर हैं हमारे,
उन सभी सेक्शनों को ना कॉम करना है आपने। देन सेट करने का जो तरीका रहेगा, आपने क्रिस क्रॉस में रहेगा, देन लेयर की मर्जिंग आनी चाहिए आपकी, उतना ज़्यादा आपका हेयर अच्छा दिखेगा और हेयर स्टाइल। सो गाइस, ये वाला आप पैटर्न देख सकते हैं, पूरा इसको यू पिन के साथ मैंने होल्ड किया है और ये खुलेगा नहीं। यहाँ पे मैंने स्प्रे जो यूज़ किया है वो अच्छा होल्ड वाला स्प्रे यूज़ किया है, ब्लू टॉप वाला, आप भी यूज़ कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्ट है। और ये जो मैं कर रहा हूँ ना, हल्का हल्का लेयर को फ्रिजी पर जितना भी आ रहा है हमारा, यहाँ पे फिंगर टिप से लेयर को नीट कर रहा हूँ विद हेयर स्प्रे के साथ। सो गाइज, हमें इसी तरीके से वर्क करना है। आप ही देख सकते हो, ये हमारा कंप्लीट हो गया है बैक साइड का। सो गाइज, ये हमारे डाउन वाले हेयर हैं जो हमने एक्स्ट्रा छोड़े थे, उनको हम हल्का हल्का कॉम किया है। देन उसके बाद उसको हम हल्का हल्का लाइट वे में टॉन्ग कर रहे हैं, लाइक आप देख सकते हैं। सिर्फ इतना ही मोमेंट पे आपने कर्ल्स करना है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ल्स नहीं करना है। अगर आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर्ल्स करेंगे तो आप जब स्प्रेडिंग करेंगे तो वो स्प्रेडिंग अच्छे से नहीं आ पाएगा, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है और काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। तो हम यहाँ पे इस तरीके से टॉन्ग को करना है। हे गाइस, कंप्लीट हो चुके हैं हमारे कर्ल्स। देन इनको टक कैसे करना है ये आपको मैं बताता हूँ इस वीडियो में। देन उसके बाद यहाँ से जो आप सेक्शन ले रहे हैं, एक एक कर्ल्स आपने उठाया है, देन उसको कॉम करना है अच्छे से। कॉम करने के बाद लेयर को स्प्रेडिंग करना है। टक करने का जो तरीका है वो आपने इस तरीके से करना है टक। सेम यहाँ से भी ऐसे लेना है कर्ल्स। लेफ्ट राइट में सेम कर्ल्स टक करना है आपने और हेयर स्प्रे करना है। तो ये दो कर्ल्स कंप्लीट हो चुके हैं हमारे लेफ्ट राइट वाले। देन इसके बाद हम सेंटर से टक करते हैं सेम टेक्निक पे। सो गाइज, ये छोटे हेयर लिए हैं मैंने, जिसको आपने अपर स्लाइड में पुल करना है। देन इसके बाद दो लेयर क्रिएट करना है, इससे ज़्यादा नहीं। देन स्प्रे करना है और फिंगर टिप से आपने उसको नीट करना है। और यहाँ पे यू पिन लेना है। यू पिन लेने के बाद आपने एक हल्का सा स्पेस बनाना है, देन वहाँ पे टक कर देना है। सो ये हमारा छोटा सा एक वीडियो जो आपको बताया जा रहा है, जिसमें सिखाया जा रहा है हाई स्प्रेडिंग बन किस तरीके से आप बना सकते हैं अपने क्लाइंट पे। इसको गाइस देखने के लिए हमेशा आप जब भी कुछ नया मेरी YouTube पे आता है तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसको सब्सक्राइब कर ले चैनल को, ताकि आपको नई नई वीडियो के साथ हम मिलते रहें। सो गाइज, ये छोटे छोटे हेयर हमें सारे ऐसे ही एडजस्ट करने हैं। यहाँ पे मेरा बैक साइड कंप्लीट हो चुका है, अब हम फ्रंट से स्टार्ट करते हैं अपनी हेयर स्टाइलिंग। देन सबसे पहले हम यहाँ पे फ्रंट से जो हम करने वाले हैं वो साइड पार्टीशन में करने वाले हैं। गाइज, साइड पार्टीशन में कैसे करेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने इस पार्टीशन को डिवाइड करना है, देन यहाँ पे छोटे छोटे हेयर सेक्शन लेने हैं स्मॉल साइज के, देन स्प्रेडिंग करना है
और यहाँ पे हेड स्प्रे करना है, आफ्टर टक करना है। एक सेक्शन मेरा हो गया है, देन इसके बाद दूसरा सेक्शन लेना है। ऊपर की तरफ उसको एक नोट की तरह फोल्ड करना है। एक लास्ट सेक्शन आपने इस तरह का लेना है, उसको कॉम करना है अच्छे से। देन ये भी आपका स्प्रेडिंग होगा यहाँ पे। यू पिन के साथ आपने उसको होल्ड करना है। सो गाइज यहाँ पे ये हमारा फ्रंट कंप्लीट हो गया है, और इस तरीके से आपने सेंटर पार्टीशन लेना है और उसको यहाँ से डिवाइड करना है। देन आफ्टर एक एक पार्टीशन को आपने इस तरीके से होल्ड करना है जैसे मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सेक्शन बिल्कुल डायगनल निकालना है। डायगनल सेक्शन निकालने के बाद आपने सो गाइस यहाँ पे स्प्रेडिंग किया, देन हेड स्प्रे, स्मॉल सेक्शन लगाना है आपने यहाँ पे। एक लेयर बन गया है आपका। आपने सभी इसी तरह के लेयर बनाना है फ्रंट पे। यहाँ पे अब हमारा सेकंड सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, स्प्रेडिंग करना है। आगे की तरफ स्प्रे करने के बाद उसको नीट करना है आपने गाइस। इस तरीके से फ्रंट को क्लीन करना है। सो गाइज ये वाला हमारा थर्ड सेक्शन स्टार्ट हो चुका है, देन इसको भी ऐसे लेना है, अपर साइड स्लाइड करना है, स्प्रे करना है अच्छे से। देन यहाँ पे आपने यू पिन होल्ड करना है, देन लेफ्ट साइड हमारा स्टार्ट हो गया है, बैक कॉबिंग करना है। देन उसके बाद पूरा सेक्शन को लेके इस तरीके से आपने कम्प्लीटली दोनों सेक्शन लेने हैं। देन आफ्टर जितना भी छोटा छोटा हेयर है सबको नीट करना है इस तरीके से। पूरा अच्छे से नीट करना है। सो गाइज ये आप देख सकते हैं पूरा फॉलिंग में मैंने इसको टक किया है यहाँ पे, और छोटे छोटे सभी हेयर को आपने नीट करना है इस तरीके से। मैंने यहाँ पे कोई भी 3D लेयर नहीं निकाला है,
एकदम इसको स्लाइड में ले आए, देन यहाँ पे आपने बस आपकी साइड एक एक लेयर पुल करना है ताकि थोड़ा सा अट्रैक्टिव नज़र आए और अच्छा भी दिखे। हमेशा जब आप लेयर स्प्रेडिंग करते हैं स्प्रे यूज़ करना चाहिए, अच्छा भी रहता है हेयर स्टाइलिंग के लिए। गाइज यहाँ पे मेरा एक हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुका है आज, ब्यूटीफुल सा हेयर स्टाइल, और आप देख सकते हैं इस हेयर स्टाइलिंग को। ये पूरा साइड से बैक साइड से पूरा स्लाइडेड में मैंने सेक्शन लिए हैं फ्रंट के, और पूरा रशियन पैटर्न के साथ है। और बैक साइड से आप देख सकते हैं इसको मैंने कितना स्प्रेडिंग किया हुआ है अपने लेयर को। देन इसी तरीके से आप अपना हेयर स्टाइल बनाए। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करें।